हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जिसको देखने के बाद ये वाली जो रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी। देखने में आपको ये सिंपल डोसा लग रहा होगा, पर इस डोसे को मैंने बनाया सिर्फ 2 कप चावल और वाटरमेलन के छिलके यानी कि तरबूज के छिलके के साथ। और इस रेसिपी को देखने के बाद आप कभी भी तरबूज के छिलके को फेंकेंगे नहीं। और ये डोसा की रेसिपी जो है मेरी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी का है, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। और जब से उन्होंने मुझे बताया, मैं अक्सर ये डोसा अपने घर पर बनाती हूँ। और साथ ही में हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हरे टमाटर की चटनी। और वाटरमेलन से ज़्यादा अभी मुझे उसके छिलके में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि ये डोसा जो है खाने में बहुत ही यम्मी लगता है और बनाने में बहुत ही इजी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस यम्मी डोसा की रेसिपी को आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैंने वाटरमेलन का छिलका ले लिया। आप जो भी आपके पास वाटरमेलन है, लाइट ग्रीन या फिर डार्क ग्रीन, दोनों भी ले सकते हैं। तो अभी हमने इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से निकाल लिया है। बच्चों को मैंने टिफिन में वाटरमेलन दिया था, तो उसका छिलका मैंने निकाल कर रख लिया था। तो हमने क्या करना है, पूरा इसको पीस नहीं देना है। इसके ऊपर का जो हार्ड वाला पार्ट है, डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन जो भी वाटरमेलन रहेगा, उसका जो छिलका उसको हमने निकाल देना है। और जो व्हाइट वाला बीच का जो पार्ट बचता है, उसको ही हमने डोसा के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको छील के क्लीन कर लिया है। और दूसरे साइड मैंने 2 घंटे पहले ही राइस को भिगोने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने राइस के साथ 2 मुट्ठी पोहा और 1 चम्मच के करीब मैंने मेथी लिया है। तो 2 कटोरी राइस के लिए 2 मुट्ठी पोहा, 1 चम्मच मेथी का दाना और 1/2 वाटरमेलन का छिलका, इतना काफ़ी रहेगा। तो अभी हमने क्या करना है, इसको मिक्सर जार में डाल लेंगे और पानी डालकर हम नहीं पीसेंगे, हमने जो वाटरमेलन का छिलका क्लीन करके रखे थे उसके साथ में हम पीस लेंगे। और आप सभी को तो पता ही है कि तरबूज का जो छिलका है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके साथ ही ये पीस कर तैयार हो जाएगा, हमने और एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लेना है। और अभी अच्छी तरह से पीस चुका है, तो हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी के राइस को भी अच्छी तरह से पीस कर रेडी कर लेंगे। और पीसने के बाद अगर आपको थोड़ा सा लगे कि ये ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो बैटर है परफेक्ट है, इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो बैटर है अच्छी तरह से पतला होना चाहिए, तभी हमारा जो डोसा है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अगर बैटर ठीक रहेगा तो जो डोसा है वो अच्छे से नहीं बनेगा। और यहाँ पर मैं इसमें डाल दी हूँ 1.5 चम्मच के करीब नमक। और ये वाली डोसा के बैटर को फर्मेंटेशन के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी डोसा खाने का मन करे तभी पीसे और तुरंत ही इसको बनाना है। ये अच्छे से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर हमारा डोसा बैटर तैयार है, तो हम इसके लिए चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 छोटी कटोरी सफ़ेद वाली तिल ले लिया है। अभी हम इसको क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई में रख के इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर मैंने अभी चटनी के लिए 3 टमाटर ले लिए हरा वाला, 4 मैंने हरी मिर्ची ले लिया है और खूब सारा हरा धनिया। तो अभी हम क्या करेंगे, टमाटर के जो पीछे का डंडी है उसको क्लीन कर लेंगे और इसको रफली चॉप कर लेंगे। हमने इसको बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये ऐसे ही मिक्सर जार में पीस जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को रफली चॉप कर लिया और मिर्ची को कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही कढ़ाई में डाल देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे और इसको गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम होगा हम उसमें डाल देंगे मिर्ची, और मिर्ची में हमने कट नहीं लगाया, तो जैसे ही हमने मिर्ची डालना है उसको ढक देना है, नहीं तो ये फट जाएगा और आपके ऊपर छींटा पड़ने का डर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्ची जो अच्छी तरह से ऐसा भुनना चाहिए, इसका पूरा कलर चेंज हो गया है। तो अभी हम टमाटर जो कट करके रखे थे उसको डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम में ही रखेंगे। तो अभी हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे। ये वाली जो टमाटर की चटनी है बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अभी हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, और साथ ही में हमने जो धनिया पत्ता लिए थे उसको भी इसमें डाल देंगे। और अभी हम गैस का फ्लेम हाई में रख देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। लगातार हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। और जैसे ही टमाटर का पानी सूख जाएगा, यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी गुड़। जो हरा वाला टमाटर है वो काफ़ी खट्टा होता है, तो अगर आप उसमें गुड़ डालेंगे तो जो चटनी है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से चलाते हुए गुड़ के मेल्ट होने तक थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पर ढक दूंगी, और अभी हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, नहीं तो हमारा जो गुड़ है वो जल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो चुका है। तो गैस का फ्लेम अभी हम ऑफ कर देंगे और इसको भी ठंडा होने देंगे, हमने गरम गरम चटनी को नहीं पीसना है। और मिक्सी में कोई भी चीज़ आप पीसते हैं तो उसको ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो तिल है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो हम इसको मिक्सर जार में डाल लेंगे और मिक्सी को बंद चालू करके थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और इस चटनी में आप तिल को ज़रूर से डालिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये दरदरा पीस कर तैयार हुआ है।
और दूसरे साइड हमारा टमाटर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसको भी इसमें डाल देते हैं। और अभी इस चटनी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, हल्का सा 2-3 बार मिक्सी को चलाते हुए हम इसको दरदरा पीस लेंगे। चटनी हमारा दरदरा रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अभी आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही यम्मी और टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और डोसा को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें पानी का छींटा लगा लूँगी और 1 चम्मच भर के इसमें बैटर डालूँगी। और इसको धीरे धीरे से हम इस तरह से फैला लेंगे। ये बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारा जो बैटर पतला रहेगा तो इस तरह से पतला डोसा बनकर तैयार होगा। और अभी हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 ड्रॉप तेल। इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप डोसा बनाने के लिए जो भी तवा का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का हो या फिर नॉन स्टिक, उसमें रोटी सूखा वाला जो रहता है वो कभी ना बनाएं, उसी से ही डोसा चिपकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डोसा है वो कितने अच्छे से कलर भी आ गया है और तवे को छोड़ भी दिया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम बाकी के डोसा को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप मेरी इस टिप को जरूर से याद रखिएगा कि कभी भी डोसा बनाने वाला जो भी तवा रहेगा, उसमें पराठा जो भी आप बना सकते हैं, लेकिन सूखा वाला रोटी नहीं बनाना है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने और भी डोसा बनाकर तैयार कर लिया, तो अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। और साथ ही में हमने जो चटनी बनाए थे उसमें हम क्या करेंगे, एक तड़का लगा लेंगे, इससे इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सरसों, हींग और रेड चिली का तड़का लगा लिया है। और यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी और यम्मी जो डोसा है वो बनकर तैयार है। और अभी आपको इस रेसिपी को देखकर पता ही चल गया होगा कि इसको बनाना कितना आसान है और ये कितना झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। और अभी आप भी इस रेसिपी को बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।